Good morning, all of you. Today is our lecture 8 and that is the last lecture of the chapter logarithm. चलिए start करते हैं from the question. Question is find the value of what? 435 की पावर 3 डॉट विथ स्क्वायर रूट ऑफ 0.256 होल अपॉन 380 रेज़ टू पावर 4. इज इट क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम क्या कर देंगे, x के इक्वल ले लेंगे. लेट x इक्वल टू 435 की पावर 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 0.256 होल अपॉन 380 की पावर 4. क्लियर? एक बार चेक कर लेंगे. 435 की पावर 3 है क्यूब एंड 0.256 इज ऑन अंडरूट. ठीक है, सॉरी 0.0 मीन 0.0256 एंड अपॉन में क्या 380 की पावर 4. चलिए अब एक्स ले लिया. सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसमें पावर तो देखिए सबकी एक्यूरेट हो रखी है. लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ पूरा ब्रैकेट बराबर लगाइए 435 की पावर 3 डॉट विथ स्क्वायर रूट 0.0256 ब्रैकेट क्लोज एंड 380 की पावर 4. ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसमें, फ्रैक्शन फॉर्मूला. क्या लगाएंगे? फ्रैक्शन फॉर्मूला. क्लियर? फ्रैक्शन फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो देखिए क्या बनता है हमारे पास. हाँ जी, लॉग ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा. लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ ऊपर वाली टर्म पहले आएंगी 435 की पावर 3. ठीक है जी, डॉटेड विथ स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.0256 की पावर 1/2. ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस लॉग ऑफ 380 की पावर 4. क्लियर? यही होगा 380 की पावर 4. क्लियर? लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया. अब इसके बाद 435 देखिए, एक बार चेक करना बहुत जरूरी है. लॉग ऑफ 435 की पावर 3 0.0256 की पावर 1/2 एंड लॉग ऑफ 380 की पावर 4 और बीच में माइनस. क्लियर? आफ्टर दैट हाँ जी देखिए क्या बनता है. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पहले वाले में प्रोडक्ट रूल का लगाइए. लॉग ऑफ 435 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 0.0256 की पावर 1/2 और माइनस लॉग ऑफ. अब सीधा आपने देखिए, अब ये सब किस में, तीनों में क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा. पावर रूल अप्लाई कीजिए. लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लॉग ऑफ 435. ठीक है, प्लस 1/2 लॉग ऑफ 0.0256 माइनस 4 इंटू लॉग ऑफ 380 आफ्टर डैट क्या करवाएंगे हमारा, लॉग ऑफ एक्स. अब सीधा आपने क्या करनी है, लॉग्स की वैल्यू निकालनी है. लॉग ऑफ 435, लॉग ऑफ 0.0256 और लॉग ऑफ 380 की. लॉग ऑफ 435 हमारे पास आता है, 3 हमारा बाहर है, 2.6385. डेट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 435. ठीक है, उसके बाद प्लस के 1/2 और यहाँ जो वैल्यू बनेगी मीन्स लॉग देखिए आप किसका निकालना है, उसका निकालना है जो नंबर हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है. तो ये हमारे पास बन रही है 2 बार मीन्स -(-2.4082). ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 0.0256। देखिए अब पॉइंट के आगे कितनी जीरो थी, एक ही थी ना, तो 1 + 1 क्या होता है 2, बट साइन किसका आता है नेगेटिव का। चलिए -4 ऑफ लॉग 380, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 380? लॉग 380 इज 2.5798, 2.5798, ठीक है 2.5798। चलिए इसको आगे मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बना आपके पास, लॉग ऑफ एक्स मतलब देखिए 3 इंटू क्या करना है 2.6385, वो हमारा बन रहा है 7.9155, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ 2.6385, उसके बाद प्लस का साइन, ठीक है 1/2 से डिवाइड करनी है ये वाली टर्म 2 बार वाली, तो ये आ जाती है 1 बार 0.2041, 1 बार 0.2041, और यहाँ आती है 4 के साथ जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 2.5798 को, तो ये बनती है 10.3192, कितनी बनती है 10.3192। इज दैट क्लियर? प्लीज चेक द वैल्यू, वैल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है 7.9155 प्लस नेगेटिव ऑफ 1.2041 माइनस ऑफ 10.3192। क्लियर ऑन सॉल्विंग इट, ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल बचता है वो आता है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव के 4, ठीक है 0.8004, ठीक है नेगेटिव के 4.8004। अब ये आ रही है लॉग एक्स की वैल्यू, ठीक है 4 लगा लीजिए, माइनस नेगेटिव लगा लीजिए या बार लगा लीजिए, ठीक है 4.8004। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू तो हमें एक्स की फाइंड करनी है। अगर वैल्यू हमें एक्स की फाइंड करनी है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, एंटी लॉग का, और कैंसल आउट द लॉग, ठीक है जिससे हम इससे ज़्यादा लॉग कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो ये बना आपके पास लॉग ऑफ एक्स कितना आ रहा है हमारे पास इज इक्वल टू 4 के बार 0.8004, मीन एंटी लॉग लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.8004। अब मुझे एक बात बताइए, जब 4 बार आता है, 4 बार मीन्स 4 नेगेटिव, नेगेटिव साइन कहाँ यूज़ करते थे हम जब लॉग निकालते थे, जब हमारे पास नंबर लेस देन क्या हो 1 हो, तो जो भी हमारी एक्स की वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी, पहली बात तो ये। अब सबसे पहले ये आपका करेक्टरिस्टिक है, ये आपका मैंटिसा है, पहले तो आप मैंटिसा की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंटिसा की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या बनती है, डेट इज योर 80 के क्या देखेंगे हम 0, 80 के 0 देखते हैं तो 0.80 के 0, क्योंकि हम एंटी लॉग देख रहे हैं तो पॉइंट याद रखिए, 0.80 के 0 देखेंगे तो बनते 6310, और उसके आगे क्या है 0.80 के 0 देख लीजिए। अब क्या देखना है 4 किसमें देखना है मेन डिफरेंस में, तो 4 जब हम मेन डिफरेंस में देखते हैं वो बनता है 6, ठीक है जी कितना बनता है 6। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 6316। अब x की वैल्यू ये तो आ गई 6316, बट यहाँ क्या है 4 नेगेटिव है। 4 नेगेटिव का मतलब क्या होता था, नेगेटिव कब आता था कि पॉइंट के जब 0 जितने होते थे हमारे पॉइंट के ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब ऐसे है ये अगर 3 है तो यहाँ 4 नेगेटिव आ गया, ये अगर 2 है तो यहाँ 3 नेगेटिव आ गया। कहने का मतलब पॉइंट के बाद उतनी जीरो लगती हैं, पर अब हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो याद रखिए इसका रूल, जब आपके पास करेक्टरिस्टिक ऐसे बार में हो तो आपने जितनी वैल्यू है 4 है तो 4 - 1 कर देना है, क्या कर देना है 4 - 1 मतलब 3, करेक्टरिस्टिक की वैल्यू में से आपने -1 कर देना है, उसमें तो हम प्लस कर दें या माइनस कीजिए 3। अब 3 पॉइंट बाद आपने क्या लगाना है 0 लगाना है, 3 पॉइंट पहले 0 लगाना है, वो दूसरा था नंबर ग्रेटर देन वाला एंटी लॉग कुछ और है। यहाँ क्या करना है हमें पॉइंट जो नंबर आ गया वो ठीक है, और पॉइंट के बाद उतनी 3 आ रहा है तो 3 0 लगा देंगे, डेट इज योर एंटी लॉग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट याद रखिए जो आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है, एंटी लॉग तो आप ऐसे निकालिए मैंटिसा का जैसे यूज़ करते हैं टेबल का एंटी लॉग का वैसे निकालिए, वो आ गया आपका 4 आपका करेक्टरिस्टिक है नेगेटिव में, तो 4 में क्या करना है हमने -1 कर देना, तो कितना आ गया 3 -1 करना है, जब नेगेटिव है तो -1 करना ही करना है, हमें करेक्टरिस्टिक वैल्यू में 3 आ गया। तो आपने वो वैल्यू ऐसी लिखनी है, उसके आगे 3 0 लगानी है। कितनी लगानी है? 3 0, फिर पॉइंट लगाना है। दिस इज द एंटी लॉग ऑफ 4 नेगेटिव ऑफ 4.8004। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ तो अभी आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दे रखी थी, देखिए इक्वेशन बना के दे रखी थी, अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। द फॉर्मूला इज, क्वेश्चन है द फॉर्मूला क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू 0.76 इंटू C इंटू डी की पावर है 2/3 इंटू H की पावर 2 अपॉन L स्क्वायर ऑन एल स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला दे रखा है v इज इक्वल टू 0.76 इंटू सी इंटू डी, ब्रैकेट लगा लीजिए जाए, डी की पावर 2/3 है और एच की पावर 2 है, अक्कर और अपॉन में क्या है एल स्क्वायर। आगे क्या है, अक्कर्स इन अ कनेक्शन, अक्कर्स इन अ कनेक्शन with the discharge of water, please note down the question, with the discharge of water, ठीक है जी, through pipes, find V, कैपिटल V फाइंड करना है आपने, व्हेन C इज इक्वल टू 160, एंड D इज इक्वल टू 1.632, H इज इक्वल टू 68, L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 198, आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज लॉग यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला गिवन है ये v इज इक्वल टू 0.76 इंटू सी इंटू डी की पावर 2/3 इंटू एच का स्क्वायर अपॉन एल, आपने सॉरी एल का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। आपने सीधी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, या आप क्या लीजिए, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए सीधा, यहाँ पे मैं सीधा नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या बना आपका 0.76। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, इज योर 160। ठीक है, 0.76 इंटू 160। डी की वैल्यू कितनी है, 1.632 की पावर 2/3 एंड व्हाट इज एच, इज ऑफ 68, 68 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, अपॉन एल स्केयर, वट इज योर एल, इज योर 198, मीन 198 का स्केयर। ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ये वो इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप लॉग लगाइए। ठीक है, और लॉग के जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं, सबसे पहले तो फ्रैक्शन ही यूज होगा, क्वोशंट फॉर्मूला यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं इसको। प्रोसीडिंग फर्दर, प्रोसीड करते तो क्या बना, देखिए v कितना है हमारे पास, v अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.76 इंटू 160 इंटू 1.632 इंटू 2/3 4/68 का स्क्वायर। ठीक है जी, 160 इंटू 1.632 की पावर 2/3 68 का स्क्वायर अपॉन में क्या है 198 का स्क्वायर। अब लॉग लेंगे, यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यही वाली टर्म्स आप अंदर लिख देंगे, 0.76 160 1.632 की पावर 2/3 इंटू 68 की पावर 2 होल अपॉन 198 की पावर 2। क्लियर, ध्यान दीजिए दोबारा। अब लॉग के फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले क्या लगेगा? कोशेंट फॉर्मूला। कोशेंट फॉर्मूला क्या कहता है आपको? कोशेंट फॉर्मूला कहता है कि टर्म्स आपके क्या आ जाएंगे, बीच में माइनस और दोनों के साथ क्या होगा? लॉग लगा होगा। पहले आई ये वाली टर्म जो ऊपर है 0.76 इंटू 160 इंटू 1.632 की पावर 2/3 इंटू 68 की पावर स्क्वायर ब्रैकेट 1 लॉग ऑफ एम हो गया माइनस लॉग ऑफ एन। व्हाट इज लॉग एन? 198 का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा? यहाँ लगेगा जी प्रोडक्ट रूल फॉर्मूला, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है जी, प्रोडक्ट लॉ। चार टर्म्स है प्रोडक्ट में, बाहर लॉग है, तो चार टर्म्स लिखी जाएंगी, सबके साथ लॉग लगेगा और बीच में क्या साइन लगेगा? प्लस का। लॉग ऑफ 0.76 प्लस लॉग ऑफ 160 प्लस लॉग ऑफ 1.632 की पावर 2/3 लॉग ऑफ, प्लस साथ में है लॉग ऑफ 68 की पावर 2 माइनस लॉग ऑफ 198 की पावर 198 की पावर 2। ठीक है जी। अब सीधा आप जहाँ पे आपका पावर रूल लग रहा है वहाँ पावर लिख लीजिए। ठीक है जी, पावर रूल लगा दीजिए, सॉरी। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहेगा आपको? देखिए जो पावर वाला है सिस्टम वो लिख दीजिए आप, जिसमें पावर फॉर्मूला लग रहा है। फिर उसके बाद इकट्ठे लॉग निकालिए। ठीक है, इकट्ठे निकालने में क्या होता है? लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.76 भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 160 भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, लॉग ऑफ 160 यस। अब यहाँ लगेगा पावर फॉर्मूला आपका, 2/3 आगे आ जाएगा और लॉग के साथ क्या रहेगा? 1.632 क्या रहेगा? 1.632। उसी तरह आगे दूसरे में पावर लॉग लग गया तो 2 लॉग ऑफ 68। ठीक है जी, 2 लॉग ऑफ 68। अब लास्ट वाले में लगाइए, उसमें देखें नेगेटिव है तो नेगेटिव रखिए, 2 लॉग ऑफ 198। चलिए अब लॉग निकालते हैं इनके। ठीक है जी, हाँ जी, ये आपने लॉग ऑफ वी मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, लॉग ऑफ 0.76 आपका क्या आता है? देखिए लॉग ऑफ 0.76 हमारा आता है, नेगेटिव में आएगा 2/.8880। ठीक है, ये आ गया पहला। उसी तरह दूसरा निकालेंगे तो दूसरा क्या बनता है आपके पास? लॉग ऑफ 160 बनता है 2.2041। उसी तरह तीसरा निकालते तो तीसरा है हमारे पास 2/3 के साथ, अंदर 1.632 का क्या आएगा? 0.2128। ये तीसरे का आ गया। ठीक है, तीन ये आगे। क्लियर है, तीनों लॉग ये आ गए। अब लास्ट के जो दो है, मतलब 2 log 68, अब उसको भी लिखिए 2 log 68, सॉरी 68 log 68 क्या होगा आपका? log 68 आ रहा है 1.8325। ठीक है जी, अब लास्ट जो है आपका डेट इज द लॉग ऑफ, नेगेटिव में है 2 log of 198। ठीक है, 198 का क्या बनेगा? 2.2967। ठीक है, 2.2967। अब जो जो आपका प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 क्या है? नेगेटिव के हैं, मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ, ये ध्यान देंगे। 2 नेगेटिव के मैंने साइड में लिख दिए और साथ में प्लस में कर दिए 0.8808। ठीक है, और साथ में आगे ये आपके सेकंड टर्म 2.2041। अब 2/3 से अगर हम डिवाइड करें किसको, मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आएगा, 1/3 मैंने बाहर रखा, प्लस का साइन करते तो आ गया 4256 0. ठीक है, 0.4256. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट टर्म पे। 2 × दिस करेंगे तो क्या बनेगा जी, 3.6650. 3.6650 2 × 1.8325 क्या आ जाएगा, 3.6650। अब इसके बाद लास्ट टर्म माइनस के करनी है, तो ये आती है हमारे पास माइनस के 4.5934। ठीक है जी, 4.5934। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो जो आपकी प्लस वाली टर्म है, जैसे ये इनको प्लस कर लीजिए और माइनस वाली को माइनस के साथ ले जाइए चाहे। ठीक है, चलिए इसी तरह कैलकुलेशन बढ़ाते हैं आगे। तो अगली भी पार्ट यहीं लिख देते हैं आपका। log(v) हमारा बन रहा है, log(v) इज इक्वल टू, ठीक है जी, log(v) इज इक्वल टू, देखिए अब क्या आया हमारे पास, -2 मैंने वैसे ही लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया मैंने, इन दोनों को प्लस करके मेरे पास क्या आ रहा है 3.0849। ठीक है, 0.8808 को प्लस करा 2.2041 से, कितना है 3.80849। उसके बाद ये वाली टर्म मैंने डिवाइड करी, ठीक है, 3 से डिवाइड करी 0.4256 से, तो ये आ गई मेरी 0.1419। आफ्टर डैट 3.60 मैंने वैसे लिख दी और ये भी ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है जी, तो ये आई मेरी कैलकुलेशंस, देख लीजिए। Is that clear? अब मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा, ये वैल्यूज बच रही है आपको, इनको सॉल्व करता हूँ दोनों को। माइनस के 2 है और प्लस के 3 है, 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये मेरा सॉल्व करके आया था 1.0849। ये है log(v) इज इक्वल टू 1.0849। तो दोबारा लिख देता हूँ 1.0849, बाकी टर्म ऐसे लिख दीजिए, प्लस 0.1419 प्लस 3.6650 माइनस 4.5934। अब ये सारी प्लस की हैं, तीनों को ऐड करिए, देखिए तीनों को ऐड करके आपके पास क्या बनता है, तीनों को ऐड करके मेरे पास बनता है 4.8918 और नेगेटिव ऑफ 4.5934। ठीक है जी, ये इन तीनों को ऐड करके आया मेरे पास, ये 4.8918। क्लियर। उसके बाद log(v) कितना आ गया आपके पास, log(v) हमारे पास आ गया 4.8 वाली टर्म में से माइनस करी 4.5934 को, तो ये बचा मेरे पास 0.2984। ये आ रही है मेरे पास log की वैल्यू। ठीक है जी, अब ये log की वैल्यू आ रही है, डेट इज योर करेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव में है देखा, और ये आपका मैंटिसा है। ठीक है, मुझे वैल्यू किसके निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, मीन्स एंटी लॉग फाइंड करना पड़ेगा। चलिए एंटी लॉग फाइंड करते हैं, तो v इक्वल टू बनेगा एंटीलॉग ऑफ किसका, एंटीलॉग 0.2984 का। तो सबसे पहले मैंटिसा वाला पार्ट देखिए कितना है, 2984, मैं 29 का 8 देखूंगा, फिर मेन डिफरेंस में 4 देखूंगा। चलिए बढ़ते हैं एंटीलॉग के टेबल की तरफ। 0.29 का 8, 0.29 का 8 आ रहा है जी 1986, कितना आ रहा है 20.29 का, मैं क्या लिख रहा हूँ 8, वह मेरे को 1986। ठीक है जी, उसके बाद ये 4 भी बच रहा है, तो 4 मैं कहाँ देखूंगा, मेन डिफरेंस में देखूंगा ना, देखो 3 नंबर होते हैं, कोई बात नहीं था, तो 29 का 8 देखो, डेट इज वैल्यू और आगे एक और नंबर हो तो आपको मीन डिफरेंस चेक ही करना पड़ेगा। तो 0.29 में आप 4 देखेंगे तो वो कितना आ रहा है मेरे पास 2, ठीक है। तो मतलब कितना आ गया 1988। तो एंटीलॉग आएगा आपका 1988, ठीक है। बट आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना है इधर 0 है। अगर सी आपका 0 है तो आपके नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट कितने आएंगे 0+1 में, 0+1 में, मतलब 1 डिजिट बाद हम पॉइंट लगाएंगे। डेट इज योर 1.98988, डेट इज योर आंसर। क्लियर। एंटी लॉग थोड़ा सा मुश्किल है अगर फाइंड करना है, अगर लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। बस याद रखिए जो प्रोसेस उसमें किया, जैसे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 0 था, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 2 होता तो 2+1 3 हो जाता, तो 3 नंबर बाद पॉइंट लगता, ठीक है। ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं, नेगेटिव में मैंने आपको बता दिया क्या करना था लास्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 0 है तो 0+1 मतलब 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। डेट इज द वैल्यू ऑफ बी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। प्लीज नोट डाउन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, तो प्लीज उनको घर जाके करिए। चलिए नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड या सॉल्व, लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अपने आप करने बच्चे सॉल्व 6.25e3 इंटू यहाँ 4 है 0.0023, ठीक है, 0.0023 अपॉन 7.38 की पावर 1/3, 7.38 की पावर 1/3 एंड 8.61 की पावर 2, ठीक है। चेक कर लीजिए 6.25 की पावर 3, 0.0023 का आपका क्या है 4th रूट है, और 7.38 की पावर 1/3 एंड 8.61 की पावर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम The time period of a simple pendulum is given by capital T is equal to 2 pi upon square root of L upon G, ठीक है। 2 pi into square root of L upon G, ये square root में एक बार है 2 pi, ठीक है जी। अब find T, फाइंड कैपिटल टी बाय यूजिंग लॉग, व्हेन एल इज इक्वल टू, जब आपके पास एल स्मॉल एल कितना है 7.39, ठीक है जी, एंड जी इज इक्वल टू कॉमा जी इज इक्वल टू 32.3 एंड पाई इज इक्वल टू 22.7। क्लियर। तो आपने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है और लॉग का यूज़ करके टी की वैल्यू निकालनी है। इज दैट क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, मीन यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। क्लियर। If you want any question, चलिए ठीक है बेटा। तो ये था आपका लॉगरिथम वाला चैप्टर, ये लास्ट वीडियो थी हमारी लॉगरिथम चैप्टर की। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।